बागपत से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हुआ है, जिसमें जमकर लाठी डंडे और ईंट पत्थर चले हैं। इस संघर्ष की वजह बच्चों के बीच हुआ विवाद बताया जा रहा है। खूनी संघर्ष में महिलाओं सहित आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए बड़ौद के CHC पर भर्ती कराया गया, जहां पर उनका उपचार चल रहा है। बड़ौद क्षेत्र के इदरीसपुर गाँव की यह घटना है, जहाँ पर बच्चों के बीच हुए विवाद में दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ है। बागपत से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बागपत में बच्चों के बीच हुए विवाद में दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें जमकर लाठी डंडे और ईंट पत्थर चले हैं। इस संघर्ष की वजह बच्चों के बीच हुआ विवाद बताया जा रहा है। खूनी संघर्ष में महिलाओं सहित आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए बड़ौद के CHC पर भर्ती कराया गया। बड़ौद क्षेत्र के इदरीसपुर गाँव की यह पूरी घटना है, जहाँ पर देर रात बच्चों के बीच हुए विवाद में दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हुआ है। क्या नाम है तुम्हारा? मुर्शद है जी मेरा नाम। मुर्शद जी, क्या हुआ है पूरा मामला? गांव में बच्चों का झगड़ा हुआ था, तो जो राशन डीलर है कुर्बान, उसने छूट छोटा करी, फिर वो घर पे गए तो उसके साथ में मार पिटाई कर दी। उधर से इकट्ठे हो गए थे, इसरार था, इसरार के बच्चे थे और नूरदीन के बच्चे। किस चीज से हमला किया, कितने लोग हमला? गाड़ी ले रहे थे, लाठी डंडों से थे। कितने लोग घायल हैं आपके परिवार? हमारे 6 आदमी घायल हैं। ठीक है, हालत किसकी गंभीर है? कुर्बान। पुलिस से शिकायत कर दी आपने? जी।